लगता है। और ये भैया ब्रश करते हुए मेरे को बोल रहे थे कि रेडी हो जाए, अभी तक ब्रश भी नहीं किया। खेलते हुए रेडी 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 सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम दार्जिलिंग और सत श्री अकाल, नमस्ते सारे, स्वागत है आप लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो पे। आज है हमारा दार्जिलिंग में आखिरी दिन, थोड़ा सा अपने को इधर उधर खराब लग रहा है, लेकिन अभी सुबह सुबह हुई तो हम लोग कॉफी वगैरह पी, अभी कॉफी वगैरह पी करके कुछ ब्रेकफास्ट भी आ गया नीचे। आज फर्स्ट टाइम हम लोग टाइम पे, क्यों टाइम पे, क्योंकि अभिषेक भैया हम लोग को ऐसे ठोक पीट करके टाइम पे ले आ दिए। मैं तो टाइम पे हुई हूँ, मेरे से भी ज्यादा लेट करता है जो डेमो भाई, वो भी इस टाइम पे। वैसे आज दार्जिलिंग का आखिरी दिन है, आज वादियां खत्म, लेकिन मुझे ना यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, मतलब ऐसा प्यार सा हो गया ऐसे वादियों से। एक तो होम स्टे भी ऐसा मिला, एक अपना अपन घर वाली फीलिंग है। वैलेंटाइन्स डे भैया का बोलने का मतलब था वैलेंटाइन्स डे। क्या बात हो रहा है, अभी भी बोल रहा हूँ कि यहीं पे राया बस जाते हैं, यहीं पे शादी वादी कर लेंगे, लगाते हैं ना यही थोड़ा मन वन हल्का फुल्का लोगों का खराब होगा शायद, पता नहीं। राजनीति से होता हूँ वैसे कर अरे shaadi.com थोड़ी खोल के बैठा हूँ, अगर कोई हो तो मेरे को भी मैसेज करना। हम लोग सब रेडी वगैरह हो गए, एकदम जैकेट वगैरह पहन के सब रेडी है। अब एक काम करते हैं, भैया लोग से भी जरा पूछ लेते हैं कि उनको कैसा लग रहा है कि दार्जिलिंग से वो लोग निकल रहे हैं, आप दो तीन दिन यहीं पे रह गए, तो उनको कैसा लग रहा है? दीदी दार्जिलिंग से निकल के कैसा लग रहा है? टूर जाने के लिए एक्साइटेड, लेकिन थोड़ा सा खराब भी लग रहा है। वादिया को मिस करेंगे, वादिया को बहुत मिस करेंगे और इस व्यू को भी। और भैया आपको कैसा लग रहा है? मन खराब हो रहा है, ये रुक जाता तो बढ़िया नहीं होता एकदम। भैया निकलते हैं फिर, बहुत अच्छा लगा, और आपका जो होम स्टे है काबिलियत तारीफ। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत पसंद है। थैंक यू भैया, और आप लोगों को भी शुभकामना देता हूँ, घर अच्छी तरह से पहुँचिए, अच्छी तरह से घूम लीजिए। बिल्कुल, रोड्स का अभी ठंड, यहाँ का ठंड खा लिया है, अभी नीचे रोड्स का गर्मी खा लीजिए। ठीक है भैया, फिर आते हैं। ओके ओके। पहुंच गया अभी रोहिणी रोड में, और नीचे में आप लोगों को वहाँ पे दिखाऊंगा, वहाँ पे आप लोग दिखिए आई लव कर्श्यम, वहाँ पे एक पिक्चर उठाना है आपको, दिखा था आई लव कर्श्यम, वो रहा वो एकदम सीधा।
लाटागुड़ी में और यहाँ से अपना जो होटल है रिजॉर्ट जो भी है वो होगा कुछ 30 किलोमीटर के आसपास। हम लोग ऐसे पहाड़ से आए हैं, हम लोग पहाड़ पीछा नहीं छोड़ा है। यहाँ पे केटू है सामने ही, ये शायद से केटू ही, मेरे को केटू ही लग रहा है क्योंकि केटू जैसे दिख रहा है, हर एक पहाड़ एक ही दिखता है लेकिन शायद से केटू ही होगा वो। और सामने में कैनल है, कैनल का नाम हो गया तिस्ता महानंदा लिंक कैनल। एक्चुअली एक कैनल नहीं है, आप लोग ऐसे आते रहोगे तो बहुत सारा कैनल आएगा। और उस तरफ में हो गया पहाड़, यहाँ पे सुंदर सी रोड है। अभी हम लोग फॉरेस्ट एरिया में घुसने वाले हैं और फॉरेस्ट एरिया में काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। कोई भी फॉरेस्ट एनिमल या कोई फॉरेस्ट लाइफ का लोग नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन अलाउड। अगर ये होता है तो मतलब कड़ी सी कड़ी सजा होती, तो थोड़ा बहुत ऐसे संभल के अपने को भी चलना है। और मेरे को एक लैपटॉप के लिए चार्जर का भी जरूरत था जो कि मेरे को मिला नहीं, एक्चुअली मिला लेकिन थोड़ा सा दूर था, तो भैया लोग रुके नहीं उसके लिए और मेरे पास बैकअप करने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं शाम की तरफ निकलूंगा तो लैपटॉप का चार्जर वगैरह लेकर के आऊं, क्योंकि बैकअप करना अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं आपसे डायरेक्ट फॉरेस्ट एरिया या होटल दोनों में से किसी में भी एक। कि कल हम लोग निकलेंगे सफारी के लिए, आए गए कल ही निकलना है। और भैया लोग क्या करें वो भी देख लेंगे, बाकी लोग क्या करने चले वो भी देख लेते। वीडियो कॉल का दौर भाई, लोग क्या चल रहा है भाई? आलीशान जिंदगी भाई। रिजॉर्ट देखो यार, रिजॉर्ट देखो क्या ही प्यारा लगे। और अभी क्या सीन हो रहा है कि अभी मेरे इस डीएसएल में भी ज्यादा स्पेस खाली नहीं है और साथ ही साथ चार्ज भी नहीं है, तो अभी मेरे को सब कुछ बैकअप करना होगा। और मैं सोचा एक बार आपको रूम टूर भी करवा ही देता हूँ। यहाँ पे एक आपको ब्रांड एकदम ग्रैंड टीवी देखने को मिल जाएगा, वेल फर्निश्ड है, यहाँ पे आप लोगों के मिरर दिख जाएगा। भाई कैसा लग रहा है? दिख जाए ठीक है, लड़की मर जाएगी। कबर्ड बहुत खराब हालत है, मत देखो। कर्टेंस, लाइट काफी बढ़िया है। ये हो गया एक मिरर, अपना संडास वो मेरे को काफी प्यारा लगा, तो ठीक है इसको थोड़ा चार्ज वर्ज कर लूं मैं। तो उगती सूरज के साथ एक नया एडवेंचर हमारे इंतजार कर रहा था। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम डुअर्स, और हम लोग हो गए बिल्कुल रेडी। जस्ट अभी 5 मिनट पहले मैं सो के उठा, 5 मिनट रेडी हो गया, काफी लेट हो गए थे। वो भी जितना भी रेडी होने का श्रेय जाता है राजेश भैया को, राजेश भैया नहीं आते तो हम लोग रेडी नहीं हो पाते और अभिषेक भैया से वापस से गाली सुनने को मिलती। तो अभी का प्लान क्या, हम लोग जंगल सफारी वैसे जाएंगे, ऐसे भालू वालू देखेंगे, जाके हाथी का वो क्या देखना है, हाथी का पिछवाड़ा वछवाड़ा कुछ देखना है, हाथी वाथी देखेंगे। और किस्मत खराब हुई तो सिर्फ गाय देख करके वापस आ जाएंगे। ये रही हमारी एक जिप्सी और ये रही हमारी दूसरी जिप्सी। देखो आज मैं टाइम पे कैसे मैं बता दू, मेरे को बस 10 मिनट पहले उठाया गया है, किसी हाल से मैं रेडी होके यहाँ पे। अभी देखते हैं अगर कुछ किस्मत बढ़िया हुआ नीचे रोचे को एंजॉय करेंगे जाकर के, फॉरेस्ट लाइफ क्या कैसा होता है नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं। तो हमारी जंगल सफारी शुरू होते हुए बहुत बढ़िया हवा चल रही है। जंगल के बीच में आया, अभी तक एक भी हाथी नहीं दिखा यार, मन खराब हो रहा है। एक हाथी अगर दिख जाता तो बढ़िया एक्सपीरियंस आता है भाई। हम नहीं बनाते हो जाता है। नेपाल का हाथी सबसे बड़ा हाइट है, असम का जो हाथी है वो छोटा साइज का है।
तो हम लोग का जंगल सफारी खत्म हुआ, लेकिन हम लोगों को हाथी वगैरह तो नहीं दिख पाया, जिसके लिए गए थे वो नहीं दिखा, लेकिन अपने को दिख गया हिरन, पीकॉक, पेड़, वेर, लिपस्टिक वगैरह, नेचुरल लिपस्टिक। लेकिन भैया बोल रहे थे लास्ट में कि नहीं ये दिखा नहीं हाथी, अफसोस है। जो भी हो अफसोस, तो अपने को भी है कि हाथी नहीं देख पाए। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, बस खाए पी भी नहीं, और जिस हालत में रेडी हुआ था मेरे को पता है, तो भूख भी लगी है, कुछ बिना खाए निकले थे घर। अभी अभी हम एकदम ब्रेकफास्ट करके एकदम आराम से बैठे थे, तभी कॉल आता है राजेश भैया का। राजेश भैया कॉल करके बोलते हैं कि कहाँ हो, रूम पे रेस्ट कर रहे थे। बोले दो मिनट में रेडी हो जाओ, निकलने। बोले अचानक से बोलते ये लोग कि कहाँ जाना है नहीं जाना, बताते भी नहीं। मैंने पूछा कहाँ जा रहे, बोले कहीं पे दूर जाना। अभी यहाँ पे आया आगे अभिषेक से पूछा कि कहाँ जाना नहीं जाना, तो मेरे को कहते कि रॉकी आइलैंड जाएंगे। ओह हो, मैं तो पहले ही कहा था कि जाएंगे, लेकिन फिर प्लान से कैंसिल हो गया था। स्टार्टिंग की तरफ में मैं सोचा था वहाँ पे जाऊँगा, लेकिन वो जगह बहुत ही प्यारी है, बहुत सुंदर जगह। अभी है हम लोग ये टी स्टेट में, रोड का जो हाल है, हम लोग का पिछवाड़ा थोड़ा थोड़ा दुख गए। अभी कुछ पिक्चर उठाएंगे और काफी ज्यादा सुंदर है यहाँ से रॉकी आइलैंड, और शायद से 10 किलोमीटर का रॉकी आइलैंड है, जो भी जगह पे जा रहे हैं 10 किलोमीटर है, दो जगह जा रहे हैं, मेरे को नहीं पता कौन सा वाला पहले आ पड़ रहा है। एक और छोटा सा अपडेट, डेमो के साथ थोड़ी है रैगिंग गरीबों के जॉली डेप। बोले कंगना तो भैया का फुटबॉल है, डेमो से थोड़ा डांस करवाया जाएगा। अच्छा भैया अभी कहाँ जाएंगे, दो लोकेशन पे जा रहे थे ना, कौन से पे पहले जाएंगे? नहीं पहले कहाँ पे जाएंगे? दोनों एक ही जगह पे, 10 किलोमीटर 5 मिनट। नहीं इस रास्ते में 5 मिनट में नहीं होगा, उड़ गया। कल रात को मारे थे 20 किलोमीटर 10 मिनट में, मेरे साथ दिया था पार्टनर इन क्राइम। तो यहाँ पे कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए कुछ खाने पीने, फिर यहाँ से निकलेंगे। मैं अपना बैटरी वैटरी भी बदल ली, हम लोग जा रहे हैं सुनताली खोड़ा की तरफ। जो रास्ता है ना वो कुछ ऐसा है, देखो गाड़ी वाड़ी उतार ली, आप लोग समझ में आएगा। यहाँ से हम लोग को निकलना है ऑफ रोडिंग करते करते, चलिए लेट नहीं करते। यहाँ से दीदी लोग राजेश भैया शायद से जाएंगे कार में, यहाँ से कार रेंटल मिलती है, और हम लोग जाएंगे बाइक में, क्योंकि बाइक में जाना थ्रिल। तो ये पहुंच गए हम लोग सुनतलाय खोला।
तो पहुंच गए हम लोग रॉकी आइलैंड और यहाँ पे हम लोग नीचे नहीं उतरे क्योंकि लेट हो जाएगा अगर नीचे उतरूंगा मैं, और जल्दी जल्दी निकल लूंगा। पहाड़ी रास्ता है जानते हो, मेरा बाइक में उतना बढ़िया फॉग लाइट भी नहीं है। काफी बढ़िया व्यू है, नीचे उतरने मन था लेकिन कोई बात नहीं, नहीं उतरा। किसी और दिन कभी और आएंगे तो कभी उतरेंगे। ऐसे बहुत जल्द आ जाएंगे एकदम। बहुत हो गया, जितना भी जो भी करना था हो गया, कहानी खत्म। अब बस यहाँ से निकलना है घर की तरफ। भाई अभी से मेरे को थोड़ा खराब लग रहा है, वो तो है अभी से खराब लग रहा है, मतलब वादिया मिस करेंगे। तो डूबते सूरज के साथ हमारी दार्जिलिंग की कहानी यहीं पे होती है ख़त्म। पर ज़िंदगी की इस किताब में और भी पन्ने बाकी है, तो मैं फिर वापस आऊँगा एक बड़े एडवेंचर और कहानी के साथ। तब तक के लिए चाय की चुस्की लेते रहो और चाचा बाबा एंड चेक केयर। पीस।